हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी फैमिली व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, हालांकि अभी छुट्टियां थी मेरे स्कूल की और मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए थे। आई नो आप सब में से कईयों का मुझे कॉल भी आया था और मैसेजेस भी मिले थे, और कई मेरे डेली व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो कि आसपास ही रहते हैं, तो सब ने बोला कि दीदी आप क्यों नहीं व्लॉग्स वगैरह बनाते हो। तो मैंने सोचा था कि मैं छुट्टियों में बनाऊँगी, बट छुट्टियों में भी मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मैंने व्लॉगिंग नहीं की। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं आपके लिए व्लॉगिंग करूँ। और छुट्टियाँ ख़त्म होने में बस अभी एक हफ्ता ही बाकी है, तो अभी हम छुट्टी काट के आए हैं घर से। हालांकि मैंने बीच में हम लोग घूमने के लिए गए थे कई जगह पर, वैष्णो देवी भी गए थे, अमृतसर गए थे, वाघा बॉर्डर गए थे, उसकी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली थी ताकि मैं वीडियोस शेयर कर सकूं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर। बट वो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उन वीडियोस को बना सकूं। पता है एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो तो चलो हम साथ के साथ बना लेते हैं, जैसे भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमने वीडियो बना ली, बट उसकी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो टाइम मुझे नहीं मिल पाया छुट्टियों में। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वो जो वीडियोज़ मैंने बनाई है उसकी एडिटिंग करके वो वाले ब्लॉग्स भी आपके लिए डालूँ। और आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है छुट्टी से। जब मैं आई तो हालांकि इस बार हम 10-15 दिन के लिए ही घर गए थे, लेकिन 10-15 दिन में ही पीछे से यहाँ पर इतनी ज़्यादा आंधी वगैरह आई कि सारा जो घर था वो आंधी मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो 2-3 दिन तो मुझे घर की सफाई में लग गए और फिर कपड़े वगैरह सेट करने में, क्योंकि फौजीज़ का क्या होता है, जब हम जाते हैं तब भी हमें पैकिंग वगैरह करनी पड़ती है और आते हैं तब भी हमें अनपैकिंग करनी पड़ती है, तो उससे भी हो जाता है, मतलब काम बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। और अभी मैंने ट्यूशन्स भी स्टार्ट नहीं किए हैं, 1 तारीख से मैं स्टार्ट करूँगी अपने ट्यूशन क्लासेस वगैरह लेने। पेरेंट्स के वो भी कॉल आ रहे हैं कि मैम आप कब से ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप स्टेशन पे तो आ चुके हो, लेकिन ट्यूशन भी मैं 1 तारीख से ही स्टार्ट करूँगी। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ा अच्छा सा घर के एक बार सेटिंग अच्छे से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन वगैरह, क्योंकि फिर स्कूल भी खुल जाएंगे तो मैं ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी, फिर घर का इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही फिर टाइम मिलता है, फिर टाइम नहीं मिलता है। शाम तक मैं, जैसे मैं स्कूल से आती हूँ फिर मैं ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, फिर शाम हो जाती है, फिर शाम का खाना वगैरह का हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा रेस्ट ही करती हूँ 1 हफ्ते, क्योंकि छुट्टियों में भी हम लोग घूमने वगैरह कई जगह गए तो वो रेस्ट नहीं मिल पाया था। तो मैंने कहा नहीं, 1 तारीख से ही ट्यूशन स्टार्ट करूँगी मैं। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए। कई दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, और क्या बताने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं। और देखिए, वैसे तो घर का सारा काम हो चुका है, लेकिन मेरा स्कूल का भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। हमें बहुत सारे चार्ट वगैरह मिले थे जो कि हमें क्लास सेटअप के लिए बनाने होते हैं हर साल। तो अब वो जो मेरा हॉलीडे होमवर्क है स्कूल का, वो अब मैं करूँगी। तो आज मैंने जल्दी काम इसीलिए कर लिया है ताकि मैं अपना स्कूल का काम कर सकूं। तो अभी मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री हो गई हूँ आज, नहीं तो डेली क्या होता है कि अभी छुट्टियां हैं तो मैं लेट उठती हूँ, फिर बस सारे दिन घर का काम चलता है और व्लॉगिंग नहीं कर पाती थी। तो आज मैंने काम भी जल्दी कर लिया था कि मैं स्कूल के आज चार्ट वगैरह बनाऊँगी। ये देखिए इतने सारे चार्ट हैं और ये सारे मुझे बनाने हैं, साथ में मुझे लेसन प्लान भी बनाना है। तो आज मैं स्कूल के काम का मुहूर्त कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा है और मुझे दिन रात अभी चार्ट 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 दिखाई देते हैं। मैं डेली रात में सोच के सोती हूँ कि कल मैं चार्ट बनाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। बट फाइनली आज से मुहूर्त निकल गया है और आज मैं अपने स्कूल का काम स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं अपने चार्ट वगैरह बनाऊँगी और देखते हैं फिर क्या होता है सारे दिन में। अब तो किसी को भी नहीं पता कि सारे दिन मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन हाँ आज मैं 2-3 चार्ट बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और देखूँगी रात को अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने आगे जो मैंने अभी घूमने गए थे ना, उसकी जो मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने वीडियोस बना के रखी हैं बट मैंने वो एडिटिंग नहीं की है उसकी, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो भी एडिटिंग करूँगी और वो वीडियोस भी डालूंगी। तो प्लीज़ आप उन पे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और साथ के साथ मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग्स भी डालती रहूँ। हाँ, मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि हस्बैंड की
जो सुनील जी हैं मेरे हस्बैंड, उनकी पोस्टिंग आ गई है, तो वो अभी पोस्टिंग आउट होने वाले हैं और मैं और मेरा बेटा वंश हम लोग अभी यहीं रहेंगे पठानकोट में ही। तो वो एक चीज़ छुट्टियों में थोड़ी गलत हो गई है कि हमारी अचानक पोस्टिंग आ गई है और पोस्टिंग भी फील्ड एरिया में आई है, तो जहाँ पे कि हम साथ में नहीं जा सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो हम लोग यहीं पठानकोट में ही रुकने वाले हैं। तो जब तक क्वार्टर मिलेगा हम क्वार्टर में ही रहेंगे, और जब क्वार्टर नहीं मिलेगी परमिशन क्वार्टर की तो हम बाहर शिफ्ट करेंगे। खैर वो सब जो भी होगा आपको अपडेट मिलती रहेगी, पर ये है कि जो ये फील्ड की जो अभी पोस्टिंग आई है तो ये 2 साल के लिए तो है ही, मिनिमम 2 साल तो हमें 2 साल अलग रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा छुट्टियों में ये एक खलल हो गया कि अचानक जो न्यूज़ मिली ना, उससे 3-4 दिन तो ब्लॉगिंग में इसलिए भी मेरा मन नहीं लगा क्योंकि दिमाग में ना ये चलता ही है, चाहे मैं कुछ भी करूं लेकिन मेरे दिमाग में हर टाइम ये चलता है कि 2 साल काटने हैं, 2 साल काटने हैं, अकेले रह के काटने हैं, तो एक दिमाग में वो चलता है। साथ में शिफ्टिंग भी होगी तो कहाँ हम बाहर सिविल में लेंगे, क्योंकि आर्मी क्वार्टर्स में ना एक सेफ्टी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हाँ हमारी यहाँ पे फैमिली है और हम सेफ हैं। सिविल में थोड़ा अनसेफ लगता है क्योंकि हम किसी को जानते भी नहीं है बाहर। आर्मी पर्सन्स को या आर्मी फैमिलीज़ को क्वार्टर्स में रहने की आदत हो जाती है तो सिविल में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर देखते हैं क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन ये 2 साल बहुत ही हार्ड होने वाले हैं क्योंकि अकेला रहना पड़ेगा हम दोनों को ही, वंश को और मुझे, और इसके पापा वहाँ रहेंगे खलसी में जहाँ इनकी पोस्टिंग आई है, तो मुश्किल है पर देखते हैं कैसे कटता है। लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए खैर स्कूल का काम स्टार्ट करते हैं, चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि बनाने कौन कौन से चार्ट हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो अभी तक तो मैंने उसको अच्छे से उसी दिन देखा था छुट्टियों से पहले, बहुत सारे चार्ट हैं कि अच्छा इतने बनाने हैं, और अभी मुझे देखती हूँ आज कौन से चार्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन ये है कि 2-3 दिन में इस काम को मैं फिनिश करके रख दूँगी क्योंकि हस्बैंड कभी भी उनको आउट कर देंगे 2-4 दिन के अंदर ही, तो फिर वो भी जाएंगे तो और स्कूल खुल जाएंगे। चलो ये अच्छा है कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा है तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, फिर बाद में ट्यूशंस लेती हूँ तो थोड़ा टाइम का नहीं पता चलेगा। लेकिन ये है कि एक एक दिन 2 साल का बहुत भारी होने वाला है क्योंकि मन नहीं लगता है, अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हस्बैंड के साथ होते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। और अभी हस्बैंड भी नहीं रहेंगे यहाँ पे हमारे साथ, बस मैं और मेरा बेटा वंश, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेट्स सी कैसे दिन कटेंगे, यही तो है, काटना पड़ता है। हम आर्मी फैमिलीज़ में ये वाली दिक्कत आती है क्योंकि 3 साल के लिए हमें पीस की पोस्टिंग मिलती है तो उसमें हम साथ रहते हैं, और फिर से 2 साल के लिए फील्ड पोस्टिंग आती है, तो ये ऐसे चलता रहता है। तो और यहाँ पर तो हमें 3 साल हुए भी नहीं, 2 साल ही कंप्लीट हुए थे, 2 साल होते ही हमारी पोस्टिंग आ गई, अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल, ऐसे लग नहीं रहा था कि अभी पोस्टिंग आ जाएगी, लेकिन आ गई है, तो क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो आप मेरे व्लॉग्स से बने रहिएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग किया करूँगी, मैं इसलिए भी किया करूँगी क्योंकि हस्बैंड चले जाएंगे तो एटलीस्ट वो हमें व्लॉग्स में देख पाएंगे कि हम ठीक हैं, मुश्किल होगा। चलिए तो अभी तो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। लेट्स सी
बना रही थी मैं, वो बीच में ही रह गए हैं फिलहाल। अभी हस्बैंड आ गए हैं तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। खाना खाने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगी अपना स्कूल का काम। डाइनिंग टेबल पर तो आज मेरे चाट ही चाट पड़े हैं, तो खाना आज तो नीचे बैठ के खाएंगे। बस जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर दो तीन दिन लग के करूँगी ना, तब मेरा स्कूल का काम पूरा होगा। डेढ़ महीने की छुट्टियाँ निकाल दी और कुछ नहीं किया, और अब मुझे नींद में भी चाट दिखते हैं। और जो हस्बैंड की पोस्टिंग जो आई है ना, इसने तो इतना दिमाग खराब किया है ना, मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा। बस दिमाग में यही चलता है, इन्हें जाना है, इन्हें जाना है, इन्हें जाना है। नहीं तो मेरी ऐसी आदत है कि मैं अपना काम हमेशा टाइम पे करती हूँ, और हर बार जब भी छुट्टियाँ होती हैं तो छुट्टियों का जो होलीडे होमवर्क हमें टीचर्स को जो मिलता है ना, मैं स्टार्टिंग में अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। इस बार क्या हुआ, एक तो जिस दिन लास्ट वर्किंग डे था ना, मैं घर पे आई थी और आके मैंने कहा कि चलो अभी डेढ़ महीने, इनको कहा मैंने कि चलो डेढ़ महीने आराम है, अब कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा कि अभी इंजॉय करेंगे डेढ़ महीना, कोई टेंशन नहीं है, स्कूल नहीं है, छुट्टियाँ हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम ऐसा करो, पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें एक न्यूज़ सुनाता हूँ, फिर डिसाइड करता कि क्या करना है। फिर मैंने कहा नहीं, पहले ही आप सुना दो क्या है न्यूज़। तो इन्होंने कहा कि मेरी पोस्टिंग आ गई है, तो बस दिमाग डाइवर्ट हो गया। फिर तो मुझे इस चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। हाँ एक चीज़ थी कि हम जब यहाँ पे पोस्टिंग आए, क्योंकि वैष्णो देवी पास में है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम मम्मी पापा को बुलाएंगे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने यही डिसाइड किया कि मम्मी पापा को कॉल करते हैं, छुट्टियाँ भी हैं और हस्बैंड ने भी एक वन मंथ की छुट्टी ले ली थी, तो उनको बुला लेते हैं घूमने के लिए। तो पापा तो नहीं आ सके थे, लेकिन मम्मी आ गई थी, तो काफ़ी इंजॉय की छुट्टियाँ। तो लेकिन जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, बस वही लग रहा है कि इनके जाने का दिन पास आने वाला है। हाँ जी फ्रेंड्स, हमने लंच कर लिया है, और लंच करने के बाद मुझे आती है नींद, लेकिन मैं बैठ गई हूँ अपनी चाट बनाने, और चाट बनने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया है मैंने। अब देखते हैं कि एक बनाऊँगी, दो बनाऊँगी, या फिर सो जाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि चाट बनाऊँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ब्रेक के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने अपने तीन चार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और 4-5 चार्ट्स और बाकी हैं, लेकिन आज मैंने तीन कर लिए फाइनली, और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये चार्ट है रेनी सीजन का, और रेनी सीजन हमारी इस मंथ की थीम है, तो ये तब काम आएगा हमें बच्चों को रेनी सीजन के बारे में टीच करते टाइम। नेक्स्ट चार्ट जो है, जो मैंने बनाया है, वो है डिस्पर्सल चार्ट। अभी बच्चों के नेम बस वाइज लिखने,
जो है वो अभी बाकी हैं। मैं अपना रजिस्टर स्कूल में भूल के आ गई हूँ, तो मैं कल मॉर्निंग में जाऊँगी और अपना रजिस्टर लेके आऊँगी और फिर यहाँ पे नेम मेंशन कर दूँगी। तो ये है डिस्पर्सल चार्ट। डिस्पर्सल चार्ट इसलिए बनाते हैं कि मे बी किसी दिन ऐसा हो कि टीचर ना आए, तो ये नेम हम इस चार्ट के ऊपर मेंशन कर देते हैं बसेस के साथ चिल्ड्रन के। तो ऐसा होता है कि अगर टीचर ना आए तो दूसरी अगर टीचर ले रही है क्लास तो वो बच्चों को अच्छे से डिस्पर्स कर पाए। तो ये है डिस्पर्सल चार्ट। और तीसरा जो मैंने आज बनाया है वो है बर्थडे चार्ट। ये देखिए छोटे छोटे केक बनाए मैंने और यहाँ पर मैंने मंथ मेंशन कर दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरे 12 मंथ यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और ये जो पिंक कलर का जो बेस है यहाँ पे मैं बच्चों के नेम्स मंथ वाइज जो उनके बर्थडे हैं वो मेंशन कर दूँगी और फिर मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली 3 चार्ट आज मैंने बना लिए हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैं जाऊँगी वॉकिंग के लिए और फिर बस रात का डिनर और आज का डे हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं मेरे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बालाजी फैमिली व्लॉग्स। बाय बाय।